और वो इस तरीके की हरकत कर रहा है वो एकदम निंदनीय अशोभनीय, जितनी निंदा की जाए वो कम है, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। वो शिक्षक का भाव को समझ नहीं पाए कि सारे स्टूडेंट स्टूडेंट हैं। इसको पूरी तरीके से नजरअंदाज न करते हुए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। और बच्चे जो होते हैं वो भारत के भविष्य होते हैं, और भारत के भविष्य को ही इस तरह की एक नफरत का बीज बोया जाएगा तो ये देश कहाँ जाएगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक घटना हुई, टीचर ने क्लासरूम में एक वर्ग विशेष के बच्चे को खड़े करके सारे बच्चों से उसकी पिटाई कराई, जातिवाद का मामला सामने आया और पूरे देश में यह मामला आज ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि आखिर टीचर ऐसे कैसे कर सकता है, शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा के मंदिर में जब जाति धर्म की बात नहीं होती है, केवल और केवल बात होती है शिक्षा की। इस मुद्दे पर हमारे साथ है बहुत सारे हमारे शहर के वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे साथ एमएससी सदस्य संदीप जी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि इस देश की भावना क्या है, मानव हो मानव को प्यारा, बने एक दूजे का सहारा, है ना। सियाराम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। ये सारा देश जो है वो सियाराम में है, और इसमें समुदाय की भावना ढूंढना, दूसरी नज़र से देखना, जात पात की नफरत फैलाना, मेरे ख्याल से उस शिक्षक ने देश के जज्बे को पढ़ा नहीं होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो वो शिक्षक की उनको नौकरी लग गई, पर जो शिक्षक का भाव आया है वो शिक्षक का भाव को वो समझ नहीं पाए कि वो सारे स्टूडेंट स्टूडेंट हैं, है ना। और उनको स्टूडेंट के भाव से देखना है, किसी जात पात के नज़रिए से नहीं देखना है। हो सकता है वो बीजेपी में आस्था रखने वाली हो, है ना, और बीजेपी इस देश को राम रहीम के नाम पे तोड़ना चाहती है। पंजाबी में बोलते हैं राम रहीम ते मौला की गल समझ ली ते रौला की, कि अगर जिसने राम और राम को समझ गया, वो बात को समझ गया, फिर कोई हल्ला नहीं है। लेकिन ये राम रहीम एक है, इस बात को बीजेपी समझने देना ही नहीं चाहती। और मेरे को लगता है कि वो प्रो बीजेपी होगी या बीजेपी ने षड्यंत्र किया होगा। एक तरफ हमारा नेता है राहुल गांधी, जो नफरत खत्म करके मोहब्बत को जोड़ना चाहता है, सारे देश को एक मानता है, सारे देश की भावना को एक मानता है और मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता है, और ये नफरत की दुकान खोलना चाहते हैं। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। तो शिक्षक को समझना पड़ेगा कि इस देश की आत्मा क्या है। इस देश की आत्मा यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, और उस भावना को उन्होंने नहीं देखा, इसलिए उनके दिमाग में सब बातें आई होंगी और ये हरकत उन्होंने की है, और इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा का मंदिर है, बच्चे सब बराबर होते हैं, जाति धर्म से हट करके केवल और केवल शिक्षक ही ऐसा होता है कि जो मानवता का पाठ पढ़ाता। शिक्षक जब ऐसी हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में भी गलत संदेश जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। देखिए, शिक्षा का जो मंदिर होता है, जो विद्यालय होता है, विद्यालय का अर्थ ही है विद्या, वहाँ विद्यार्थी विद्या को आला, विद्यालय मतलब विद्या अर्जित करने जाता है। उस संस्थान में अगर किसी शिक्षक के द्वारा ऐसी घृणित काम किया जाता है, दूसरे समुदाय से दूसरे समुदाय को लड़ाया जाता है, तो बेहद ही निंदनीय है। आज मैं बताना चाहूँगा ये आखिर ये चीज़, ये नफरत की भावना निकली कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इस समाज में नफरत का बीज बो रहे हैं, जो नफरत का किरोसिन लेके घूम रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे हरियाणा और मणिपुर जैसे जगहों पर कैसे नफरत फैलाया जा रहा है। पार्टी की बात अगर हम छोड़ दें, एक हम राजनीतिक मंच इसमें नहीं हम जोड़ते हैं, शिक्षक की हरकत क्या होनी चाहिए, शिक्षक का एक ओहदा क्या होता है, और शिक्षक ने जो किया वो क्या किया। देखिए, शिक्षक ने बिल्कुल गलत किया, और जहाँ तक बात राजनीति की आती है, आज जनता आदर्श मानती है अपने नेताओं को, जो नेता जनता के लिए काम करने जाते हैं वही नेता अगर मन में नफरत भरते हैं तो ये बिल्कुल गलत है ना। आज देखिए ना, राहुल गांधी जी हर जगह मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, जहाँ जा रहे हैं भारत एक है की बात कर रहे हैं। हमारी गंगा जमुनी तहजीब जो है वो भाईचारा सिखाती है, प्रेम सिखाती है, सद्भाव सिखाती है। उस शिक्षक को कायदे से सभी बच्चों में प्रेम का जो भावना है उसको लाना चाहिए, ना कि नफरत का। और बच्चे जो होते हैं वो भारत के भविष्य होते हैं, और भारत के भविष्य को ही इस तरह की एक नफरत का बीज बोया जाएगा तो ये देश कहाँ जाएगा। तो ये जो नफरतवादी मानसिकता है ये बिल्कुल गलत है। एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है, और आज जो घटना हुई है मुजफ्फरपुर में उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं साफ भाई भाई, लेकिन आज आप देख रहे हैं देश की स्थिति। मैं किसी पार्टी की बात न करके सीधा देश की स्थिति के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि आज देश को किस ओर ले जाया जा रहा है। एक समय में जो है सब मिलके एक थाली में खाना खाते थे, आज वही थाली को दूषित किया जा रहा है। और आप भी जानते हैं कि समाज का चौथा स्तंभ कहलाता है शिक्षक,
चार खंभों में खड़ा होता है ना कोई भी देश, कोई भी प्रदेश, कोई भी संस्कृति, तो ये चार खंभों में एक शिक्षक भी होता है एक खंभा, और वो इस तरीके की हरकत कर रहा है वो एकदम निंदनीय अशोभनीय, जितनी निंदा की जाए वो कम है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व फौजी अरुण सिसोदिया जी। सिसोदिया जी, किस रूप में देखते हैं मुजफ्फरपुर की घटना को? देखिए, जिस तरह से स्कूल में जो घटना हुई है और एक शिक्षक द्वारा एक वर्ग विशेष के बच्चे को इस तरह से प्रताड़ित करके अमानवीकृत किया है, बहुत ही निंदनीय है और ऐसे लोगों पर अपराध दर्ज होना चाहिए। और दूसरी बात है कि मैं सेना में रहा हूँ, हम लोग सैनिक प्रशिक्षण जब लेते हैं तब भी इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। ये तो बच्चे मासूम हैं, फूल हैं, आने वाले देश का भविष्य हैं। इनके अगर मानसिक आघात करते हैं तो उस परिस्थिति में बच्चे का जो मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और आने वाले समय कोई गलत कदम भी उठा सकता है। तो ऐसे शिक्षक हो, ऐसे प्रशासन हो, इसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज ना करते हुए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, शिक्षक पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। महेश जी जुड़े हमारे साथ में, बच्चे पर अगर कैसे मानसिक दबाव आता है अगर इस तरह की घटना होती है तो, टीचर खुद अगर इस तरीके कुछ कृत्य करे तो? देखिए, ये भारत देश है, इस भारत देश में सभी जाति धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, पूरी दुनिया में इस लोकतंत्र का एक सानी माना जाता है, और ऐसे देश में इस तरह से अमानवीय कृत्य अगर किसी शिक्षिका ने किया है किसी धर्म विशेष के साथ, हमें उसका कड़ा विरोध करना चाहिए और सरकार से, वहाँ की सरकार से हम ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। जी हाँ, कठोर कार्रवाई की मांग हर कोई कर रहा है। आप मैम क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत ही अमानवीय कृत्य है और बहुत ही निंदनीय है। शिक्षा के मंदिर में बच्चे को, किसी विशेष वर्ग के बच्चे को अन्य बच्चों से पिटवाना, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही अमानवीय कृत्य है। और ऐसे टीचर जो भी हैं उनके विरोध दंडनीय कार्रवाई की जानी चाहिए। जी हाँ, दंडनीय कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा दी जाती है, शिक्षा एकता की, अनेकता की, और इसमें कहीं धर्म जाति सामने नहीं आते। पर जो स्कूल में हुआ, मुजफ्फरनगर के स्कूल में हुआ, उस पर निश्चित ही लोगों में आक्रोश है कि एक शिक्षक, अगर शिक्षक आइडल होता है बच्चों के लिए और बच्चे अगर, शिक्षक अगर ऐसा कृत्य करेगा, जातिवाद फैलाएगा, तो बच्चे में कहीं ना कहीं गलत असर पड़ेगा। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।